हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दीप और स्वागत है आप सबका मेरे आज के एक्सेल ट्यूटोरियल में, जो कि है क्लियर टैब के बारे में। होम टैब में एक ऑप्शन होता है क्लियर, तो आज हम उसको डिटेल स्टडी करने वाले हैं कि कैसे उन सब में जो जो आज मतलब उसमें जो भी वन बाय वन जो उसका जो फीचर्स है उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहें मेरे यूट्यूब चैनल दीप अकाउंटिंग पर और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियर, जब हम बटन दबाते हैं यहाँ पे देखिए आप, क्लियर ऑल, क्लियर फॉर्मेट्स, क्लियर कंटेंट्स, ये सब जो है कुछ कुछ ऑप्शंस है, जिसमें से चार आपको विजिबल दिख रहा होगा और दो ऑप्शन जो है क्लियर कमेंट्स एंड रिमूव हाइपर लिंक्स, ये आपको अभी डिजेबल दिख रहा है। तो हम वन बाय वन सबको जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे है क्लियर ऑल, ये हम सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चलते हैं यहाँ क्लियर फॉर्मेट्स। क्लियर फॉर्मेट्स में क्या है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एड्रेस लिखा हुआ, तो इसमें क्या है कि देखिए यहाँ पे आपको हाईलाइट हो रहा होगा बी बी यानी कि बोल्ड, ये जो एड्रेस लिखा हुआ ये है बोल्ड में। उसके बाद एक मान लीजिए इसको हम इटैलिक्स भी कर देते हैं, इसमें देख रहे हैं आप जो बॉर्डर है बॉर्डर लगा हुआ है, फिर आप एड्रेस जो लिखा हुआ है टेक्स्ट वो देखिए दूसरा कलर में है, उसका जो पीछे जो बैकग्राउंड है वो ग्रीन कलर में है। तो ये सब जो है वो है इसका फॉर्मेट्स। तो अगर हम क्लियर में जा करके अगर क्लियर फॉर्मेट्स कर दें तो वो जितना भी फॉर्मेट उस पर लगा हुआ है सारा का सारा जो है क्लियर हो जाएगा। देखिए एकदम ये सिंपल प्लेन टेक्स्ट में आ गया एड्रेस, सारा फॉर्मेट जो है उसका वो क्लियर हो गया। अब हम दूसरा ऑप्शन में चलते हैं, यहाँ पे क्या है क्लियर कंटेंट्स। अब हम ये वाला में आज चलते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए क्या लिखा है फादर्स नेम। तो क्लियर कंटेंट्स ऑप्शन क्या करता है, इसमें क्या है जो लिखा हुआ सिर्फ उसको हटाएगा, फॉर्मेट वगैरह सब एज इट इज रहेगा, यानी कि उसके अंदर का जो भी उसमें कंटेंट लिखा वो सारा का सारा उसको क्या करेगा रिमूव कर देगा। जैसे हम यहाँ पे हम प्रेस करते हैं क्लियर कंटेंट्स, देखिए ये कंटेंट क्लियर कर दिया लेकिन फॉर्मेट्स एज इट इज है। जैसे अभी हम फिर से लिखते हैं अगर फादर फादर्स नेम, देखिए वो एज इट इज लिखा गया, इसमें क्या किया वो फॉर्मेट्स डिलीट किया, इसमें क्या किया वो क्लियर कंटेंट किया। उसके बाद तीसरा ऑप्शन क्या है क्लियर कमेंट्स। क्लियर कमेंट्स में कैसे आएगा, अभी तो जैसे ये डिजेबल है, तो अभी हम मान लीजिए कि सपोज यहाँ पे जो एड्रेस है यहाँ पे हम कोई कमेंट डालते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हम एड्रेस है, यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे माउस से, उसके बाद यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आ रहा होगा इंसर्ट कमेंट, देखिए हम यहाँ जूम करके दिखा रहे हैं इंसर्ट कमेंट है ना, ये तो ये ऑप्शन में हम चलते हैं उस इसमें जाने के बाद, इसमें मान लीजिए कुछ भी लिखते हैं कि पुट ओनली टेक्स्ट, सपोज मान लीजिए ये हम मैसेज दे दिए, तो इसी को बोलते हैं कमेंट। जब हम इस पे जब हम माउस लेके जाएंगे इसके ऊपर तो ये देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है पुट ओनली टेक्स्ट, तो ये हो गया कमेंट। तो अब देखिए ये ऑप्शन जो है वो इनेबल हो जाएगा, जैसे अभी हम यहाँ पे क्लिक किए क्योंकि यहाँ पे है मेरा कमेंट, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे देखिएगा ये जो ऑप्शन है देखिए यहाँ पे ये जो है इनेबल हो गया, पहले क्या था वो डिजेबल था, अभी देखिए ये जो है इनेबल हो गया क्लियर कमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे इसमें हम जाएंगे यहाँ से हम करके इसको क्लियर कमेंट्स कर देंगे, तो वो जो अभी आपको यहाँ पे देखिए ये देखिए ऊपर में जो है रेड टाइप का आपको वहां पे नोटेशन मार्क दिख रहा होगा, ये जो मार्क है वो ऑटोमेटिक वहां से हट जाएगा जब हम वहां पे क्लियर कमेंट्स करेंगे तब। जैसे क्लियर कमेंट्स किए देखिए अब जो है ये मार्क आपको यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसका यही काम है कमेंट्स को वो क्लियर करता है। उसके बाद क्या है क्लियर हाइपरलिंक्स। मान लीजिए अभी यहाँ पे कोई हाइपरलिंक नहीं है इसमें इस शीट में, मान लीजिए हम एक वेबसाइट लिखते हैं www.gmail.com, ये देखिए ये हाइपरलिंक में कन्वर्ट हो गया, ये देखिए अंडरलाइन लग गया पूरा में वो हाइपरलिंक में कमेंट हो गया, हालांकि जीमेल का स्पेलिंग गलत है बट उससे फर्क नहीं पड़ता, www से स्टार्ट है लास्ट में .com है वो हाइपरलिंक में कन्वर्ट हो गया। तो ये इसको अगर हम जैसे अभी मान लीजिए अगर हम डबल इसमें अगर हम क्लिक करेंगे तो वो क्या करेगा वो हमको वेब पेज पे लेके जाएगा, जैसे अगर हम अभी तो ये एड्रेस गलत है, अगर हम सही एड्रेस लिखे जैसे, ठीक है इसमें हम जैसे ही अगर माउस से अगर हम क्लिक करें तो ये क्या करेगा वेब पेज पे लेके जाएगा। अभी जैसे कि मेरा यहाँ पे नेट कनेक्टेड है आपको दिख रहा होगा, तो ये क्या हुआ मेरा जो है जीमेल वो ओपन हो गया। ठीक है, तो ये क्या करता है ये हाइपरलिंक उसी वही काम है, जैसे हम लिंक कोई लिंक रहता है उसको हम क्लिक करेंगे तो वो हमको वेब पेज पे लेके जाएगा। तो अभी हम यहाँ पे इसको माउस से कीबोर्ड से उसको हम लेके गए और उसके बाद यहाँ पे क्लियर ये भी देखिए रिमूव हाइपरलिंक से क्लियर हाइपरलिंक से, तो क्लियर हाइपरलिंक से रिमूव हाइपरलिंक से करेंगे वो तो वो हट जाएगा, अभी ये जो है इनेबल नहीं था अब जो है ये हाईलाइट हो गया, तो यहाँ से हटा दिए तो देखिए ये जो है हाइपरलिंक जो है वो हट गया। तो ये सारा ऑप्शन तो आप समझ लिए, अब रह गया क्लियर ऑल। क्लियर ऑल नाम से ही पता चल रहा होगा कि इसमें उसके में मतलब सारा ऑप्शन एप्लीकेबल है, चाहे वो कमेंट रहे हाइपरलिंक रहे फॉर्मेट से रहे
वो सारा का सारा वो जो है क्लियर कर देगा। जैसे मान लीजिए हम ये पूरा सेलेक्ट किए, उसके बाद अगर हम यहाँ पे क्लियर ऑल कर दिए तो सब चीज खत्म हो जाएगा। देखिए उसका कंटेंट, उसका फॉर्मेट्स, कमेंट्स, हाइपरलिंक्स कुछ भी रहेगा वो सारा का सारा जो है वो क्लियर कर देगा। जो भी एरिया हम सेलेक्ट करके अगर हम क्लियर करें तो वो सारा का सारा जो है क्लियर हो जाएगा। तो ये वीडियो में जो भी हम बताएं वो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अगर अच्छा समझ में आया होगा तो ये अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जो भी हम वीडियो डालें वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू।